नमस्ते बच्चों, हिंदी वर्णमाला में हम लोगों ने सारे स्वर सीख लिए, तो आज से हम व्यंजन शुरू करेंगे। सबसे पहला व्यंजन है क। क से कौन कौन से शब्द होते हैं? क से होता है कबूतर। क से कबूतर, और क से होता है कमल। क से होता है कमल, और क से होता है कछुआ। फलों में सबसे अच्छा फल जो हमें बहुत ताकत देता है वो होता है केला, तो क से होता है केला। तो बच्चों, क कैसे लिखना है पहले हम वर्कबुक में देख लेंगे और उसके बाद नोटबुक में। वर्कबुक में पेज नंबर 1313 निकालो, वहां पे दिया गया है क से कबूतर। क से कबूतर, बच्चों ध्यान से देखना क कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग बीच में बड़ी स्टैंडिंग लाइन करेंगे। स्टैंडिंग लाइन पहली ब्लू लाइन से अंतिम ब्लू लाइन तक टच होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के नीचे एक ब्लू लाइन छोड़ के यहाँ से स्टैंडिंग लाइन को टच करके हम एक सी करेंगे। सी छोटा करना, बहुत बड़ा नहीं करना है, ठीक है। सी करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस लाइन करेंगे कि इस ब्लू लाइन को टच करे, और फिर उल्टा सी, फिर स्लीपिंग लाइन तो होगी ही होगी, है ना। क से कबूतर, बड़ी स्टैंडिंग लाइन, सी क्रॉस लाइन, उल्टा सी, स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर, बड़ी स्टैंडिंग लाइन, सी क्रॉस लाइन, उल्टा सी, स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर। बच्चों, अब आप अपने आप ये पूरा पोर्शन खत्म कर देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन। ये लिखना आपको अभी नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। व्यंजन के बाजू में हम लिखेंगे क, बड़ी स्टैंडिंग लाइन, छोटा सी क्रॉस लाइन, उल्टा सी स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर, बड़ी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को टच करके सी करना है, लेकिन ये सी दूसरी, ये जो दो लाइन है ना उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो सी, फिर क्रॉस लाइन, एकदम छोटी क्रॉस लाइन, फिर उल्टा सी। उल्टा सी भी दोनों लाइंस को टच नहीं करेगा, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर, बड़ी स्टैंडिंग लाइन, सी क्रॉस लाइन, उल्टा सी स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर। बच्चों, अब से हम नोटबुक में चार की जगह पांच स्टैंडिंग लाइन करेंगे, ठीक है, और पूरा पेज भर के लिखेंगे क से कबूतर। टेक केयर, बाय।